हेलो दोस्तों, आज मैंने चॉकलेट फज की रेसिपी बनाई है। क्रिसमस आ रहा है तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। मैंने ये क्रिसमस स्पेशल बनाया है, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, चॉकलेट फज बनाने के लिए ज़्यादा सामान का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मैंने एक कप डार्क चॉकलेट लिया है, उसके साथ ये 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा ये बटर है, ऑप्शनल है ये, और वेनिला एसेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हम लोग डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए। जब पानी गर्म हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे कोई एक बर्तन रख दीजिए और उसमें चॉकलेट डाल दीजिए। आप इसको ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं, बट डबल बॉयलर में अच्छे से मेल्ट होगा। और इसके साथ इसमें ये कंडेंस मिल्क डाल देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको कॉन्टिन्यूसली इसे मेल्ट करना है। इसी समय हम लोग थोड़ा सा ये बटर इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ा सा शाइनिंग आएगा, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसे मेल्ट करना है। देखिए दोस्तों, चॉकलेट मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग ये थोड़ा सा वेनिला एसेंस इसमें डाल देंगे और ये कट किया हुआ ड्राई फ्रूट। मैंने इसमें अखरोट और थोड़ा सा बादाम लिया है, आप अपने मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, ये बच्चे से लेकर बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। आप लोग एक बार घर में जरूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा। और चूल्हा बंद कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैंने एक ये केक टिन लिया है और इसमें मैंने ये बटर पेपर रख दिया है और थोड़ा सा बाहर से बड़ा साइज का थोड़ा रखिएगा, तो इसको निकालने में थोड़ा अच्छा रहेगा, आसानी में रहेगा। अब हम लोग इसमें ये मिक्सचर जो है इसको इसमें डाल देना है। चॉकलेट का मिक्सचर इसमें मैंने डाल दिया। अब ऊपर से थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद इसको फ्रीज करना है। दोस्तों, अब ये ठंडा हो गया है। अब हम लोग इसको फ्रीज में मिनिमम 4 से 5 घंटा या फिर ओवरनाइट इसको ऐसे कवर करके रखना है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने ओवरनाइट रखा था, कितना अच्छा ये जम गया है। अब हम लोग इसको निकालते हैं और इसको चॉपिंग बोर्ड पे कट करते हैं। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बना है। ये बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोग क्रिसमस पे एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।